क्या सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फंडामेंटल वाले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर और इसके टाइप्स, कंप्यूटर की मेमोरी और डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर्स। तो ये हम सभी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देना चाहते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर्स। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। अब जिन लोगों को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा फिजिकल डिवाइस जो भी होता है हार्डवेयर में आता है, और जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर में आता है। जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं कि यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमें GUI प्रोवाइड्स कराता है। और कुछ CLI भी होते हैं, कुछ GUI भी प्रोवाइड कराते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिसे हम छू सकते हैं वो हमारा जो फिजिकल डिवाइस होता है, हमारा हार्डवेयर होता है, और जिसे हम छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं लेकिन, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स दिए गए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, वर्ड और एक्सेल। ये सभी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं रिव्यू ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो आज के 2000 साल पहले अबाकस बनाया गया था बेबीलोनिया में, मेसोपोटामिया, जिसको बेबीलोनिया को मेसोपोटामिया भी जानते हैं। इसका जो इन्वेंशन हुआ था अबाकस का, 2000 साल पहले हुआ था। और वुडन रैक होल्डिंग टू हॉरिजेंटल स्क्वायर विद बिट्स होता था। ये जिसे हम लोगों ने देखा होगा, ये अबाकस है। अगर आपने बचपन में स्लेट वो पढ़ी होगी, जिस स्लेट्स में कुछ स्लाइड्स करके नंबर्स कैलकुलेट करते थे, कुछ इस तरीके से होती थी। आधे में लिखते थे और आधे में ऐसे लाइंस में बॉल्स लगे होते थे जिनसे हम नंबर कैलकुलेट करते थे, कलरफुल बॉल्स होते थे। इसके बाद इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ब्लेस पास्कल हैज़ क्रिएटेड द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इन 1642। ब्लेस पास्कल ने 1642 में फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बनाया था जो कि मॉडर्न डे से मैच करता था। मतलब कुछ सिमिलरिटी थी, वहीं से जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं वहीं से तो डेवलप होते होते आए हैं। इसके बाद पंच कार्ड 1980 में हरमन हलित और जेम्स पावर के द्वारा बनाया गया। पंच कार्ड थोड़ा सा एडवांस था अबेकस से, और ये ऑटोमेटिकली जो इनपुट मिलते थे उनको प्रोसेस कर लेता था। इसमें कुछ पंच लगे होते थे, कुछ कार्ड्स होते थे, होल्स बने होते थे, और इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये कैलकुलेशन वगैरह करता था, तो खुद ही कैलकुलेशन कर लेता था। इसमें किसी ह्यूमन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन देता था। पंच कार्ड के बाद इसी को यूज करके, पंच कार्ड को ही एडवांस बनाया गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा, और फिर इसको थोड़ा सा ऑटोमेटिकली वर्क करना परफॉर्म किया गया, जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम इसमें ऐड किया गया। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ऐड करना, मल्टीप्लाई करना और सॉर्ट करने जैसे फीचर्स इसमें आ गए थे जब ये पंच कार्ड को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया IBM मशीन के द्वारा। मतलब IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है जिसको हम IBM नाम से जानते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मगर कंप्यूटर के फंडामेंटल्स में, तो यहाँ पे देखिए 1942 में जॉन पी स्कर्ट और जॉन माउचले और उनके एसोसिएट्स और टीम्स ने मिलकर, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने डिसाइड किया एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने के लिए, और उन्होंने बनाया भी, जिसको इनियाक के नाम से जाना गया। इनियाक क्या है? हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसको या फिर नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बारे में कुछ खास बातें हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि ये कितना एरिया ऑक्यूपाइड करता था। 30 बाई 50 फिट का रूम था उसको ये ऑक्यूपाइड करता था, यानी इतना बड़ा कंप्यूटर था कि ये एक पूरे हाल में एक अकेला ही कंप्यूटर रखा जाता था, और ये बहुत ही पावर कंज्यूम करता था।
वो आगे देखते हैं। ENIAC वाज देयरफॉर अबाउट 1000 टाइम फास्टर देन द प्रीवियस जनरेशन ऑफ रिले कंप्यूटर्स। जो प्रीवियस कंप्यूटर्स जितने भी बने ENIAC के पहले, ये उनसे 1000 गुना तेज था। लेकिन इसमें क्या और भी खास है, देखिए 18000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था और ये 1800 स्क्वायर फीट की जगह जो है कंज्यूम करता था। जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है कि 50x30 फीट के रूम्स में इसको रखा गया था, लेकिन अगर पावर की बात करें तो ये पावर बहुत कंज्यूम करता था। 180000 इलेक्ट्रिकल पावर्स यूज करता था, 180000 वाट्स। अभी तो बिल देना पड़े तो पता चले कि कंप्यूटर क्यों चला रहे थे। ठीक है, फिर अगर हम 1950 में आते हैं तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी और ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। ट्रांजिस्टर सर्किट का यूज करने से हमारे कंप्यूटर्स के साइज़ छोटे हो गए और उनकी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ी थी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं 1980 में सेमीकंडक्टर चिप का यूज किया गया, जो इंटेल और मोटोरोला दो कॉरपोरेशन थे जो कि कंपटिटिव थे 1980 में और आज भी कंपटिटिव हैं। इंटेल के प्रोसेसर हम सभी लोग यूज करते हैं, इंटेल 9 कोर चल रहा है इस समय। ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे, प्रोसेसर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कौन से लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। और अभी हम देख रहे हैं बेसिक्स, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पे अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ऐसे देख सकते हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चंस आप लोगों से कोई पूछ सकता है या फिर नहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन हो गए और आपको 1975 में कौन से कंप्यूटर बने थे वहाँ से लेकर के 2009 में विंडोज़ 7, पर्सनल विंडोज रिलीज विंडोज़ 7 2009 में आया था, विंडोज़ का 7th वर्जन। तो जो 2007 वर्जन था अभी उसका सपोर्ट बंद हो चुका है और कुछ लोग यूज करते हैं, ठीक है अच्छी बात है यूज करते हैं, लेकिन अभी इसका सपोर्ट बंद हो गया है। लेटेस्ट में विंडोज़ 10 चल रहा है और अभी विंडोज़ 11 आ चुका है, लेकिन जो नॉर्मली यूज करते हैं लोग विंडोज़ 10 ही यूज करते हैं, क्योंकि विंडोज़ 11 इसलिए भी नहीं यूज हुआ है अभी कि अभी ये नया है और इसके साथ साथ कई सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स विंडोज़ की 11 की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो नए वाले सिस्टम या पुराने जो ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, इसलिए विंडोज़ 11 उन्होंने अपडेट भी नहीं किया है। आप चेक कर सकते हैं सिस्टम अपडेट्स में जाके कि आपका सिस्टम कैपेबल है विंडोज़ 11 को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, अगर सपोर्ट करता है तो आप फ्री में एक्टिवेट कर सकते हैं उसको। यहाँ पे एक कंप्यूटर का बेसिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज। अगर आप यहाँ पे, मैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम आपको सर्च करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट आउटपुट और मेमोरी यूनिट्स जो भी हमारे होते हैं। इस वाले फिगर को एक बार समझ लेते हैं, देखते हैं ओपन होता है। ये देखिए पावर सप्लाई SMPS, ये आपको पूरा एकदम डिटेल्स में दिखा देता है कि क्या है। इनपुट डिवाइसेस क्या है, कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को इनपुट देते हैं। कंट्रोल यूनिट है ये हमारा यहाँ पे, और कंट्रोल यूनिट के हमारे दो पार्ट होते हैं बेसिकली, ALU और CPU के दो पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और ALU। ALU का काम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और ये प्राइमरी मेमोरी यूनिट से कनेक्टेड होता है जिसे रजिस्टर्स और कैश मेमोरी होता है। सॉरी चेंज हो गया। और हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है SSD और SSD होती हैं। SSD HDD से फास्ट होता है, इसको भी आगे पढ़ेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कैसे फास्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे। और आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर्स होते हैं। यहाँ पे कूलिंग फैन, पावर सप्लाई भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है CPU, यानी कि जब हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड, माउस या फिर माइक्रोफोन के थ्रू तो हमारे कंट्रोल यूनिट में जाता है, प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाता है। और अगर हम इसको चाहें तो यहाँ पे हमारी SSD या SSD लगी होती है उसमें स्टोर भी कर सकते हैं, और स्टोर करने के साथ इसको हम बाद में रिट्रीव भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा डेटा सेव होगा उसको हम बाद में रिट्रीव कर सकते हैं।
इस तरीके से आप कई सारे डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम देखना चाहते हैं आप तो यहाँ पे देखिए, इनपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी यूनिट और ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। यहाँ सीपीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो हमारा होता है वो सिर्फ सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाता है हार्डवेयर से, उसका काम है सिर्फ कंट्रोल करना सभी हार्डवेयर्स को। और जो ALU होता है वो हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, सारे मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस को यही एग्जीक्यूट करता है, यही प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रोड्यूस करा देता है। और ये मेमोरी यूनिट की अगर हम देखें तो मेमोरी भी दो तरीके से होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिसमें अपने डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो कि हमारी SSD या फिर SSD होती है, और मेमोरी जिसका हम रैम का यूज़ करते हैं। रैम का क्या यूज़ होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, कैसे वर्क करता है रैम, कितने तरीके के रैम होता है। तो आज के लिए यहीं तक दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ से हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे इसके बाद, और इनपुट डिवाइसेस के बाद फिर हम आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जो हमने आपको चैप्टर्स में दिखाई ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, इसको हम सीरियल से पढ़ते चलेंगे तो हमको रिविज़न करने में आसानी होगी। इससे ब्रीफ कंप्यूटर पढ़ लिए, बेसिक कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर पढ़ लिए, अब हमको डिफरेंट टाइप के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़नी है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, डिफरेंट टाइप्स के हैं ये, OCR, बारकोड रीडर, वॉइस इनपुट सिस्टम, डिजिटल कैमरा। फिर इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ेंगे मॉनिटर, प्रिंटर्स, डिफरेंट टाइप्स के जो प्रिंटर्स हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर प्रिंटर्स। इसके बाद यहाँ पे आप टाइप ऑफ प्रिंटर्स देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके आगे आगे पढ़ेंगे। फिर टच स्क्रीन और प्लॉटर, स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट के बाद फिर हमारा CPU है, प्रोसेसर, कंप्यूटर लैंग्वेजेज, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, जैसे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसके बाद कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और डिवाइस ड्राइवर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस कस्टमाइज, यूटिलिटीज और कंप्यूटर मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम और रोम जो प्राइमरी मेमोरीज होती हैं और सेकेंडरी मेमोरीज हैं, देखिए रैम और रोम, RAM VS ROM, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और सेकेंडरी मेमोरी में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, आपने कुछ चीज़ों को आपने यूज किया होगा और कुछ चीज़ों को अभी भी आप यूज कर रहे होंगे। इसके बाद प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि ये प्रिंटर्स के बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आंसर हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद हम सीधा वर्ड प्रोसेसिंग, MS Word हमारा दूसरा चैप्टर आता है, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को नोट पैड, MS पेंट और वर्ड पैड के बारे में बताना चाहेंगे। उसके बाद हम वर्ड प्रोसेसिंग, MS Word में आगे बढ़ेंगे।